हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धारू नया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 555 12 वोट की मोटर का आरपीएम और स्पीड बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमारे 775 डीसी मोटर की जो स्पीड होती है लगभग उतना ही इसको बढ़ाने वाले हैं। और वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 555 डीसी मोटर है। और फ्रेंड, ये 70-80 रुपए के आसपास मिल जाएगी आपको मार्केट में। और इसकी आरपीएम काफ़ी ज़्यादा कम होती है हमारी जो 775 डीसी मोटर जो होती है उसके मुकाबले। तो फ्रेंड, ये जो मोटर है आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसके मुकाबले। ये आपको लगभग 300 रुपए के आसपास मिलेगी ऑनलाइन, और ऑफलाइन आपको 200 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो इसकी आरपीएम और इसकी आरपीएम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी छोटी वाली मोटर है उसके हम यहाँ पर आरपीएम बढ़ाएंगे। और ये बड़ी वाली मोटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने ड्रिल मशीन, कटर मशीन सारे सामान बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। इसकी बॉडी भी मैंने यहाँ पर खोल दी क्योंकि मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो इन दोनों को मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको पहले कि इसकी आरपीएम कितनी ज़्यादा है और इसकी कितनी कम है। तो यहाँ पर आपको साउंड सुनकर ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट 15 एम्पीयर की एक मेरे पास बैटरी है फ्रेंड्स, इससे हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को साउंड ऑटोमेटिकली, तो सुनिए साउंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए इतना कम साउंड है इसका कि आपको सुनाई में भी नहीं दिया होगा, इतनी कम आरपीएम है इसकी। लेकिन हमारी जो बड़ी वाली मोटर है इसका आप यहाँ पर साउंड सुनिए, आपको खुद को पता लग जाएगा इसकी कितनी ज़्यादा आरपीएम है यहाँ पर। तो इसका साउंड सुनिए अब आप। तो फ्रेंड, आपने सुना भी हाल साउंड कितना ज़्यादा इसका ही आरपीएम है। और फ्रेंड, इसकी आरपीएम इतनी कम है कि इसने कुछ साउंड भी नहीं बनाया, जैसे देख सकते हो आप इसका कोई साउंड भी नहीं निकल रहा है यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर आरपीएम इसको बढ़ाएंगे तो किस टाइप से बढ़ाते हैं आप देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मोटर को खोलना है। तो खोलना काफ़ी ज़्यादा ईजीली है फ्रेंड इसको। इसके साइड में दो लॉक बने होंगे, तो इन दोनों लॉक को आपको यहाँ पर पेचकस, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसके द्वारा खोलना है। तो इन दोनों को ईजिली ऊपर दबा कर आप खोल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड, इसकी जो पीछे केप लगी हुई इसको हम यहाँ पर खोल देंगे। और देख सकते हो इसका हमारा जो मोटर है ओपन हो चुका है। इसके बाद जो हमारा इसमें आर्मेचर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हमने ये निकाल लिया फ्रेंड्स, और मोटर काफ़ी गंदी हो रही है फ्रेंड्स अंदर से, क्योंकि इसमें ऑयल वॉल सारा लगाना पड़ता है हमें, तो अंदर से सफाई नहीं कर सकते इसलिए गंदी ही रहती है। तो यहाँ पर जो आर्मेचर है फ्रेंड, इसी के ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे अब। तो देख सकते हो इसके अंदर वाइंडिंग की गई है बिल्कुल पतले वायर से। लेकिन फ्रेंड, इसको हम यहाँ पर खोलेंगे और दूसरी इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पुरानी वाइंडिंग है फ्रेंड, इसको यहाँ पर खोलना होगा हमें। तो हमारे जो तीन स्लॉट दिख रहे हैं आपको, इन तीनों की जो वाइंडिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर खोल लेंगे हम। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, आप खुद कर सकते हो। बस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखना, मैं आपको इजीली और काफ़ी आसानी से समझा दूंगा आपको किस टाइप से क्या करना है, ठीक है। आप स्किप करोगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप पूछोगे कमेंट करके कि ये कैसे किया वो कैसे किया। तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में कैसे क्या करना, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसके बाद फ्रेंड, जो आर्मेचर की मैंने वाइंडिंग यहाँ पर खोल ली है, और इसमें देख सकते हो मैंने इसे थोड़ा पेट्रोल से साफ भी कर दिया ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे हमारा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो ये कम्यूटेटर लगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें तीन पॉइंट दिखेंगे जहाँ पर हमारे पहले वाइंडिंग की गई थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल से या फिर जो हमारा सैंड पेपर होता है उससे थोड़ा यहाँ पर रफ करना है, और इसके बाद यहाँ पर हम सोल्डरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइंडिंग करने के बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पर पहले ही इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं तीनों पॉइंट पर सोल्डरिंग कर लूँगा पहले, और काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स, आप घर पर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। बस आप वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए मैं क्या बोलता हूँ, और देखा कीजिए क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी घर पे बना लोगे आराम से। तो यहाँ पर देख सकते हो तीनों पॉइंट मैंने सोल्डरिंग कर लिया है इस टाइप से, और आपको भी पहले सोल्डरिंग करनी है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक वायर ले रहा हूँ, कॉपर का वायर है फ्रेंड्स, और आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आराम से मिल जाएगा 2600 का फ्रेंड्स ये वायर है यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो ये 600 रुपये किलो का मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक किलो नहीं लाना है, लगभग आपके 10 या 20 रुपये के वायर में आपकी पूरी मोटर कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। 10 रुपये के वायर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वायर लेना है और इसको स्टार्टिंग पॉइंट चालू करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा वायर है फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और यहाँ से हमारा जो पहला स्लॉट होता है इसके ऊपर टर्न लगाना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो मैं क्लॉकवाइज यहाँ पर वाइंडिंग कर रहा हूँ, देख सकते हो। और आपको यहाँ पर लगभग 50 टर्न लेने हैं, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको टर्न लेना फ्रेंड, मैं काफ़ी इजीली बता रहा हूँ आपको, देखिए आप वीडियो में, और काफ़ी स्लोली स्लोली दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पर वाइंडिंग करनी है, और थोड़ा टाइट आपको वाइंडिंग करनी है, वरना आपके 50 टर्न नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से देख लीजिए, मैंने 50 टर्न ले लिए यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वायर को कट नहीं करना है यहाँ पर। वायर कट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर क्या करना है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से इस वायर को मोड़ दीजिए यहाँ पर, और एक लूप बना दीजिए यहाँ पर, और इस टाइप से ऐंठ दीजिए पूरे वायर को, तो हमारा ये वायर एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा वाला स्लॉट है उस पर हमें वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है, इसी वायर को कट नहीं करना है यहाँ पर, और वापस से हमें इसे क्लॉक वाइज घुमाना है इस टाइप से। तो क्लॉक वाइज घुमाते हुए इसमें भी 50 टर्न लेने हमें, और आपको ध्यान रखना है वायर को थोड़ा आपको टाइट इसमें लगाना है, वरना आपके 50 टर्न नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स आप पूछोगे इसे 50 से ज़्यादा हम ले लेंगे तो क्या होगा, 50 से कम होगा तो क्या होगा। फ्रेंड्स 50 से ज़्यादा लोगे आप तो होगा क्या इसमें, कि जो इसका वोल्टेज वो ज़्यादा हो जाएगा और आपकी मोटर काफ़ी स्लो घूमेगी, और अगर कम लोगे तो फ्रेंड्स आपकी मोटर जल जाएगी, इतने ज़्यादा RPM पे घूमेगी और इतने ज़्यादा एम्पियर पे इस पर चलाओगे आप वोल्ट पे, तो ये जल जाएगी अगर कम टर्न लोगे तो, ठीक है, वाइंडिंग जल जाएगी आपकी। तो आपको लगभग 50 टर्न ही लेने हैं यहाँ पर, 50 एक दो ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 के आसपास ही लेने हैं आपको। और हमारा जो तीसरा वाला स्लॉट है फ्रेंड्स, इसमें भी हम यहाँ पर 50 टर्न ले लेंगे वापस से, और जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में उसी टाइप से। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वायर का, और जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर एट देंगे अब। तो देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट हम दोनों को मिला देंगे और यहाँ पर इस टाइप से एट देंगे, तो हमारे तीन वायर यहाँ पर निकल चुके हैं, तीन स्लॉट के तीन वायर हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट है फ्रेंड जहाँ पर हमने सोल्डरिंग की थी वो भी तीन है। तो एक एक वायर को एक एक पॉइंट में यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे हम वापस से, तो काफ़ी ईजी है फ्रेंड, देख सकते हो आप। और इसके बाद जो हमें सोल्डरिंग करना है, उससे पहले आपको क्या करना है, फाइल या फिर जो सैंड पेपर होता है उससे इस वायर को आपको थोड़ा घिसना है जहाँ पर आप सोल्डरिंग करोगे उस जगह पर, क्योंकि फ्रेंड इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसके कारण ये इंसुलेट होता है फ्रेंड, जिससे आपकी सोल्डरिंग नहीं होगी इसके ऊपर, तो आपको थोड़ा घिसना होगा इसके ऊपर से, जिससे आराम से इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी। तो आप सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर फाइल जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो जो तीनों पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे हम काफ़ी ईजीली, देख सकते हो आप, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने RPM बढ़ाई था छोटी वाली मोटर का, उसमें आप मुझे कमेंट्स आया था कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी इजीली समझाया आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा मकसद होता है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आए, जो मैं काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो आपको समझ में आए। और मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, हमेशा कभी भी मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जा सकते हो आप, और आपको सारी वीडियो रियल ही मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर जो फ्रेंड्स सोल्डरिंग कर लेंगे हम तीनों पॉइंट पर तीनों वायर की, इस टाइप से देख सकते हो आप। और फ्रेंड ये जो ब्रश जहाँ पे लगा होता है फ्रेंड, इसे कम्यूटेटर बोला जाता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हमारा आर्मेचर होता है जहाँ पर ब्रश होता है उसे कम्यूटेटर बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारी AC मोटर होती है फ्रेंड, उसके अंदर कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग लगी होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो वायरिंग हो चुकी है हमारी, और सोल्डरिंग भी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर उसे सीजर के द्वारा कट कर लेते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा हो चुका है, देख सकते हो आप। तो ये हमारा आर्मेचर पूरा वाइंडिंग वापस हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हो, बिल्कुल ईजीली था, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था, आप भी घर पर कर सकते हो इसको। इसके बाद जो हमारी बॉडी है फ्रेंड, इसको मैंने पेट्रोल से साफ़ कर लिया था अंदर से, काफ़ी गंदी हो रही थी पहले ही हमारी, तो मैंने इसको यहाँ पर वापस से पेट्रोल डाल के, थोड़ा केरोसिन डाल लीजिए आप और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। इसकी धूल मिट्टी सारी बाहर निकाल दीजिए, और थोड़ा जो हमारा इसमें जो आर्मेचर है फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा ऑयल वॉयल डाल दीजिए, ग्रीस डाल दीजिए थोड़ा बहुत, और इसे अच्छे से पैक कर दीजिए। तो जिस टाइप से हमने खोला था फ्रेंड उसी टाइप से हम इसे वापस पैक कर देंगे। जो हमारा कम्यूटेटर लगा है इसके ऊपर ब्रश जो हमारा सेट है दोनों, इसको सेट कर देंगे हम। थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से रखना वरना आपके ब्रश टूट सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से इस ब्रश को सेट करना है यहाँ पर, और इसे सेट करने के बाद इसे बिल्कुल पैक कर देंगे हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसे पैक करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार इसे चला के देखना है, ठीक है, हाथ से एक बार इसका जो इसका अंदर रोटर है फ्रेंड्स, जो हमारा आर्मेचर, उसे एक बार घुमा के देख लीजिए हाथ से कि अच्छे से वो रन तो कर रहा है, अटक नहीं रहा है कहीं पर। तो उसके बाद ये जो लॉक दिख रहे हैं, इन लॉक को यहाँ पर लगा देंगे हम। तो इसे लॉक को सेट करने किस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा लॉन्ग नोज प्लायर होता है फ्रेंड, इस टाइप से इसको दबा दीजिए नीचे की साइड में, ये हमारे सेट हो जाएंगे। अगर आपके पास लॉन्ग नोज प्लायर नहीं तो फ्रेंड आप कील और हथौड़ी से इसको ठोक कर भी सेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप मोटर ख़राब ना हो जाए आपकी। इसके बाद फ्रेंड इसको हम यहाँ पर चला कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास बैटरी है वापस पुरानी वाली जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और इसका साउंड सुनिए, आपको साउंड सुनकर ही पता लग जाएगा इसकी RPM।
तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले जो इसको सही करने से पहले वाला साउंड भी सुना देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसकी आरपीएम काफ़ी कम थी पहले, तो इसका साउंड भी नहीं आ रहा था पहले, लेकिन अब इसका साउंड सुनिए वापस से आप। तो फ्रेंड आपको साउंड सुनकर ही पता लग गया होगा कि इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और इसका टॉर्क भी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो फ्रेंड इसी टाइप से आपकी जो पुरानी मोटर होती है उसकी आरपीएम भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो, टॉर्क भी बढ़ा सकते हो आप यहाँ पर इजीली। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का खर्चा लगेगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी और आपका मोटर सही हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत। Bye, everybody.